कहिए दीन प्यारे ओ जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे जाऊं कहां तज चरण रहता झाड़ू लगाता रघुनाथ जी का दर्शन करता आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को ला कर दिया, पिताजी जिनसे उधार लिया है वापिस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापिस दिया, ब्याज दिया, सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से पैसा प्राप्त। केवट को दी रसीद, पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो, और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया। केवट जो कागज लेकर आए उस पर ऐसे ही कुछ लिखा था, रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की आलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था, और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया, और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, इन्हीं जज साहब की। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हां हुजूर लिया था। दे दिया? हां दिया साहब। कोई प्रमाण है? ये रसीद। जज साहब ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम, और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, मजे की बात रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया,
पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे, और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले हाँ, तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन, मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए, चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं, और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है, भक्त जो न कराएं सो थोड़ा, आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। केवट से कहा कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां? केवट बोला जब सब जगह रहते तो वहां भी थे, झूठा काहे को लिखा दिया, अब रघुनाथ जी जाने। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधन हीन मलिन दीन जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट एक ही भरोसा जाएगी लाज तुम्हारे, जाएगी लाज तुम्हारे, नाथ मेरो कह बिगड़े गो, जाएगी लाज जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं टेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहा बिगड़े वो, जाएगी लाज तुम्हारी। वह निश्चिंत रहता है। अब राम जी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा केवट तुम जाओ अदालत में ताकि समय से पहुंच जाओ। अब रही रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने, केवट तो प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पुजारी जी आज जल्दी जागे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, नई पोशाक पहनाई, बड़ी जल्दी
कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाया। सोच रहे थे आज भगवान को पहली बार बाहर जाना है, कपड़े अच्छे होने चाहिए, कुछ खा पी के जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन आंखों में आंसू भर कर कहते, जाइए जरूर, उस आपके अलावा और कोई नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो, कृपा की न हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा आदत तुम्हारी। आंसू भरकर पुजारी जी प्रार्थना कर रहे हैं। उधर केवट पहुंचा अदालत में, जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहां है? केवट बोला, हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे, बुलवाओ। चपरासी को आदेश हुआ, चपरासी ने कहा, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं, ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं। तो क्या देखा, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, लड़खड़ाते हुए एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आ रहा है, वहीं से इशारा कर रहा है कि आ रहा हूं। चटपटी सी एक वृद्ध झुकी पड़ धाये हैं, हाथ माह छड़ी पलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी, आज रघुनाथ जो गवाह बने, साहब के सामने विनीत चपरासी सार, आज रघुनाथ जी गवाह बने। केवट ने प्रणाम कर लिया। सेठ जी चौंके कि ये कौन? जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी आपका ही नाम है? जी। केवट ने रुपया वापिस कर दिया। हाँ, कोई प्रमाण है? सेठ जी ने खुद रसीद लिख ली थी। बेईमानी आ गई मन में, दी नहीं केवट को, सेठ जी को यहीं रखा जाए, इनकी बैठक में रखा हुआ रजिस्टर मंगाया जाए, उस रजिस्टर में वो रसीद अब तक सुरक्षित है, सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता था। चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया और रसीद मिल गई। सेठ जी दंडित हुए, केवट भाई जित बरी हुआ, गवाह महाराज तो चले ही गए थे। अपने चैम्बर में जज साहब ने केवट को बुलाया। केवट एक बात मुझे, हाँ पूछिए हुजूर, ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? केवट ने कहा, हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो?
कांजा रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे गांव एक ही जगह के, एक ही जगह के, कौन है हमारे गांव? अरे सरकार को समझाना, अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है, मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे, और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी हैसियत नहीं दिख रही थी। केवट ने कहा, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। जय हो, जय हो, मंदिर में विराजमान हैं ये। अब जज साहब चौंके, चपरासी को बुलाया, चपरासी कांप रहा था, हुजूर जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे, रोते रोते बंगले पर गए, लोगों ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने यही कहा, शुक सारद नारद शेष गणेश, सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। जो शुक सनकादिक के ध्यान में नहीं आए वे भगवान आज केवट की गवाही देते रहे। तो किसी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं, खुश होना चाहिए, और गए तो दुख क्या? सुख धोखे उदर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात का है, बड़ी बेअदबी हो गई आज उनके विरुद्ध। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा भाव भरा रोते रहे, पद से इस्तीफा दे दिया, साधु बनकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, सड़क पर बाहर से ही धूल माथे पर चढ़ा लेते। क्यों? यही सोचते थे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल। मेहरबानी कहे बोझ इतना, इसमें उठाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, गया मगर जानता जमा को भुलाया, तेरा नाम मेरी जवाब पे न आया, खताबार हूं मैं
गुनाहगार हूँ मैं, हतावारों में गुनाहगार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता तेरी माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं, ये कर्जा चुकाने के काबिल तो गया हूँ मगर जानता। 40 वर्ष पहले तक ब्रज वीथियों में उनका दर्शन होता था, ये सत्य घटना है, इस युग की घटना है। तब लगता है कि श्री तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और भगवान श्री राम जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। श्री राम जी प्रेम की नगरी में आ गए, जनकपुर में, भक्ति की नगरी में। एक दिन घोषणा हुई, स्वयंवर सभा में सब विराजमान हैं, राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और यह सुनकर सभी जल्दी जल्दी चले, परिकर बांधी उठे अकुला, परिकर बांध